अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4, जिसका सम नंबर 2 है। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए, ए एंड बी, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि ए इंटू बी, यानी ए बी का प्रोडक्ट, एंड सेकेंड पार्ट में ये कहा गया कि बी एक प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल तो फाइंड आउट करें। तो हम सबसे पहले जो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो दोनों सेट्स की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, वेदर वी कैन मल्टीप्लाई देम और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके टू कॉलम्स हैं और सेकेंड की टू रोज हैं, तो सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। पहले हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह हमारे फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा 18 और 4। अब सेकंड की पार्ट की पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहा था बी और ए, देखिए जो बी कॉलम है, बी मैट्रिक्स है उसका एक ही कॉलम है 6 5, और बी जो ए मैट्रिक्स है उसके दो रोज हैं, तो 1 और 2, दीज टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का जो कन्फर्मेशन है मल्टीप्लाइकेशन के लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो कन्फर्मेबल, ये मतलब कि कन्फर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।